हजरत आइए, आपके एक और मोहतबर नाम जो हमारे इस लिस्ट में है, मोहतरम अब्दुल हद साद साहब से, उनके शेर से कि मैं बढ़ते बढ़ते किसी रोज़ तुझको छू लेता, मैं बढ़ते बढ़ते किसी रोज़ तुझको छू लेता कि इनके रख दिए तूने मेरे मजाल के दिन। मोहतरम अब्दुल हद साद साहब से दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि आप माइक पर तशरीफ लाएँ। हम लोग सब इज्तमाही तौर पर साहब ने साहब को मुबारकबाद पेश कर ही चुके हैं इस नई रिवायत के योम आज़ादी और योम जमहूरियत के मौके पर शेरी नशीश का इंतजाम किया जाए। मैं एक नज़म और एक गज़ल नज़म जो आज के हालात के तहत माशरती और सियासी हालात के दुनिया में चल रहे हैं और जिसका एक जिसके मद्देनजर हमारे मुल्क के हालात भी चल रहे हैं, एक छोटे कैनवस पर और बड़े कैनवस पर पूरे आलमी सियासत के जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से हम पूरे क़यामत के दौर में जी रहे हैं, उसका ये एहसास है और कोशिश की इसको नज़म के फॉर्म में मैं पेश कर सकूँ। गुनवा ने एक गुनाहगार बना, एक गुनाहगार बना, हवाओं का आंधियों ने जल्जलों ने फिर गर्मी को ले लिया लिफ्ट में, मौसलात सारफीन देश पा मीशतें, फसाद जंग जुल्म बरबरीतें, फसाद जंग जुल्म बरबरीतें, मौसलात सारफीन देश पा मीशतें, वो हशर जैसे सूर फूक रहा और उसे हशर का, वो शोर तरफ जैसे सूर फूक रहा और उसे हशर का, वो माहिरीन इक्तिसादियात के जो अखिजों के आलमी तवाजुन माश और रोजगार के नजीर थे, माहिरीन इक्तिसादियात जो के आलमी तवाजुन माश और रोजगार के नजीर थे, सुदूर शोबे हयातियात जो जमीन के रुखदो हवाए दिल गजीदा के मालिश और तबीब थे, माहिरीन इक्तिसादियात जो के आलमी तवाजुन माश और रोजगार के नजीर थे, सुदूर शुरुए हयातियात जो ज़मीन के रुखदो हवाए गज़ीदा के मौजूदो तबीर थे, वो सब तहफ़ुज़ो बखाए अर्ज़ के खसूस में मबाइस और तज़ियात के फसूल जला चुके, बया नाफरीनियों से अपने दोष को सबूत किए घरों में जा चुके, सब तहफ़ुज़ो बखाए अर्ज़ के खसूस में मबाइस और तज़ियात के फसूल जला चुके, बयान आफरीनियों से अपने घर दोष को सबूत किए घरों में जा चुके, और रहबरान मुल्क जो मफाद और इक्तदार के उसूल की कशादिशों में बाहमी रफीक या रकीब थे, और रहबरान मुल्क जो मफाद और इक्तदार के उसूल की कशादिशों में बाहमी रफीक या रकीब थे, और इन सिदाद जंग के फरीबदार जाबतों में अपने अपने फैसले सुना चुके, जंग के फरीब लाल जाबतों में अपने अपने फैसले सुना चुके, शयूख अपनी अतलसी कबाए से वितन किए, शयूख अपनी अतलसी कबाए से वितन किए, बुलंद गुंबदों तले जमीन का तेल आकिबत के नाम बेच कर जजा कमा चुके, शयूख अपनी अतलसी कबाए से वितन किए, बुलंद गुंबदों तले जमीन का तेल आकिबत के नाम बेच कर जजा कमा चुके, मुफक्किरान दहरियत ने मज़हबों को वाहिमों का नाम दे दिया, मुफक्किरान दहरियत ने मज़हबों को वाहिमों का नाम दे दिया, मुफस्सिरान दीन ने बशर की चीज़ किस्मती को माबराई मसलियत का इंतजाम कह दिया, मुफस्सिरान दीन ने बशर की चीज़ किस्मती को माबराई मसलियत का इंतजाम कह दिया, वो आलमी अदारे जो कि मुद्दई अक्लो इल्मो होश थे, वो सारे जज्म होश थे, बस गरीब आदमी समाज की नज़र में कम सवाद व गैर मोतबर, बस गरीब आदमी समाज की नज़र में कम सवाब तो गैर मोतबर, कि जिसके पास कुछ था मुझे एक दौलत कलम मुझे निगाह पसंद व निगर, जिसके पास कुछ था मुझे एक दौलत कलम मुझे एक निगाह पसंद व निगर, धड़क रहा था जिसके दिल खबर खबर, धड़क रहा था जिसके दिल खबर खबर,
उठाए कागजों के ढेर हाथ में, कसूर कहीं रह गया खुदा का क्या कसूर है। उठाए कागजों के ढेर हाथ में, खुदा के क्या कसूर है, खुदा के क्या कसूर है, खुदा ने कितने अंबिया रसूल कितने औलिया हर एक ऐब को हर एक मुकाम पर अता किए। अरे खुदा ने कितने अंबिया रसूल कितने औलिया हर एक ऐब को हर एक मुकाम पर अता किए। निशाना शबूर जज्बों अमल की कुछ जिहाद के तमाम रास्ते दलील मुख्तसर नजात के बता दिए। नजर को दर्द बंदियों नजर को दर्द बंदियों ख्याल को बुलंदियों के सब सबक सिखा दिए। वो सोचता ही रह गया खुदा के क्या कसूर है, खुदा का क्या कसूर है, खुदा ने कितने अंबिया रसूल कितने औलिया हर एक ऐब को हर एक मुकाम पर अता किए। निशाना शबूर जज्बों अमल की कुछ जिहाद के तमाम रास्ते दलील मुख्तसर नजात के बता दिए। नजर को दर्द बंदियों ख्याल को बुलंदियों के सब सबक सिखा दिए। वो सोचता चला गया कि जिम्मेदार कौन है, वो सोचता चला गया कि जिम्मेदार कौन है, सवाल रोज़े हशर का जवाबदार कौन है। वो सोचता चला गया कि जिम्मेदार कौन है, सवाल रोज़े हशर का जवाबदार कौन है। अरग अरग जमी लिए, अरग अरग जमी लिए, एक एतराब जुर्म अपने दिल में तनशी लिए, खुद अपने ही जमीन में अजाब जमीर और आतशी लिए। अलग अलग जमीन लिए, सोचता ही रह गया कि जिम्मेदार कौन है, सवाल सवाल पूछे हैं इसका जवाबदार कौन है। अलग अलग जमीन लिए, खुद अपने ही जमीन में अजाब जमीर और आतशी लिए, एक एतराब जुर्म अपने दिल में तनशी लिए। वफूर कर में बेबसी से कुछ न कह सका मगर, वफूर कर में बेबसी से कुछ न कह सका मगर, कलम की एक चीख में बयास पर उतर गया, कलम की एक चीख पर बयास पर उतर गया। वे गरीब आदमी जो कुछ न था मगर इसी जहान कैम शर की बेहसी कह में एक सांस लेना फर्ज था। वे गरीब आदमी जो कुछ न था मगर इसी जहान कैम शर की बेबसी में एक सांस लेना फर्ज था। हजार नेक बुजदिलों के बीच जो कम अज कम गुनाहगार मर्द था। गजल तो पहले शायद में वो ज्यादा सुना दीजिए उसके बाद गजल। हाँ ज्यादा गजल तो पहले ज्यादा। हमारा भी आपका भी यकीन होगा कि जिंदगी में कुछ लोग मकाम ऐसे आते हैं, कुछ लोग आपके अंदर मर जाते हैं। आप से उनकी मुलाकात भी रहती है, सलाम अलैक भी रहती है, तकात भी रसमुल्ला भी रहती है, लेकिन दे डोंट लिव एनी मोर इन यू, आपके अंदर ख़त्म हो जाते हैं। उनकी किसी बात से दिल इतना इकट्ठा हो जाता है गया वो नहीं है। इसका अनुमान मैंने रखा है ज़ियारत, और इस ज़ियारत से रात चले हुए हैं शमशान के कब्रिस्तान की जगह। बहुत से लोग मुझ में मर चुके हैं, बहुत से लोग मुझ में मर चुके हैं, किसी की मौत को वाकई हुए 12 बरस बीते। कुछ ऐसे हैं कि 31 साल होने आए हैं अब जिनकी रहलत को, इधर कुछ साले ताज़ा भी हैं अब तो महीनों के। बहुत से लोग मुझ में मर चुके हैं, किसी की मौत को वाकई हुए 12 बरस बीते। कुछ ऐसे हैं कि 31 साल होने आए हैं अब जिनकी रहलत को, इधर कुछ साले ताज़ा भी हैं अब तो महीनों के। किसी की हादसाती मौत अचानक बेजमीरी का नतीजा, बहुत से दब गए मलबे में दीवारे अला के आप ही अपनी, बहुत से दब गए मलबे में दीवारे अला के आप ही अपनी, मरे कुछ रास्तों की खुशहाली में। क्या बात है, हादसाती मौत अचानक बेजमीरी का नतीजा थी। कुछ ऐसे भी जिनको जिंदा रखना चाहा मैंने अपनी पलकों पर, कुछ ऐसे भी जिनको जिंदा रखना चाहा मैंने अपनी पलकों पर, मगर खुद को भी मगर खुद को जिन्होंने मेरी नजरों से गिरा कर खुशी कर दी। ऐसे भी जिनको जिंदा रखना चाहा मैंने अपनी पलकों पर, जिन्होंने मेरी नजरों से गिराकर खुशी कर दी। बचा पाया तो मैं कितनों को सारी खुशियों कर दी, बचा पाया तो मैं कितनों को सारी खुशियों कर दी। जय बीमार बिस्तर तक मेरे वालिद के बिस्तर पर मिलाकर फौज हो बैठे, मिलाकर फौज हो बैठे। घरों में
دفتروں میں، محفلوں میں، راستوں پر کتنے قبرستان قائم ہیں، گھروں میں، دفتروں میں، محفلوں میں، راستوں پر کتنے قبرستان قائم ہیں، میں جن سے روز ہی ہو کے گزرتا ہوں، زیارت چلتے پھرتے مقبروں کی روز کرتا ہوں، ہم گویا فکر کی ہونٹوں پہ لہرانے لگی، ہم گویا فکر کی ہونٹوں پہ لہرانے لگی، مجھ کو اپنے جنم سے پہلے کی یاد آنے لگی، مجھ کو اپنے جنم سے پہلے کی یاد آنے لگی، وہ چھین لی منزل نے آ کر راستے کی انسیت، چھین لی منزل نے آ کر راستے کی انسیت، آرزو کھونے لگی، امید پر آنے لگی، چھین لی منزل نے آ کر راستے کی امید لگی، اور یہ سزا کیا حسرتوں پر اکتفا کرنے کی ہے، زندگی دیوار دل میں خود کو چھپانے لگی، یہ سزا کیا حسرتوں پر اکتفا کرنے کی ہے، زندگی دیوار دل میں خود کو چھپانے لگی، پیشے دیکھیں کہ دل ربائے عمر بھی ہے کس قدر اجلا شعار، ربائے عمر بھی ہے کس قدر اجلا شعار، بس ابھی آتی ہوئی تھی اور اب جانے لگی، بس ابھی آتی ہوئی تھی اور اسے دیکھیں کچھ دنوں تک ہم رہے پیشیدگی پر مطمئن، دنوں تک ہم رہے پیشیدگی پر مطمئن، پھر کوئی گچھی سلجھ کر ہم کو الجھانے لگی، اور شہر، یارانے، زمانہ، آسماں، گھر، عشق، مور، شہر، یارانے، زمانہ، آسماں، گھر، عشق، مور، جھیل پر ٹھہری ہوئی سی شام لہرانے لگی، شہر، یارانے، زمانہ، آسماں، گھر، عشق، مور، جھیل پر ٹھہری ہوئی سی شام لہرانے لگی، زیست کی شب ہم نے کاٹی ساز ہم سے فکر میں، زیست کی شب ہم نے کاٹی ساز ہم سے فکر میں، در کھلے پچھلے پہر تازہ ہوا آنے لگی، زیست کی شب ہم نے کاٹی ساز ہم سے فکر میں، در کھلے پچھلے پہر تازہ ہوا آنے لگی، میں نے اپنے بیٹیوں کا نام اسی شعر سے اور ان سب چیزوں کو سب کو ظاہر کہتے ہوئے ویسے ہی حضرت چھوٹی سی آپ پورا کرکٹ کاغذ پر بکھیرے، آپ پورا کرکٹ کاغذ پر بکھیرے، بلغم ہے ناک سے بھری رطوبت جگہ جگہ پھیلائے، لفافے میں لپیٹ کر مجھے بھجوائیں کہ میں ان کے اجزائے ترکیبی سمیٹوں، ان پر تبصرہ کروں، کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے میں ناقد ہوں یا خاطر ہوں؟